आइए फ्रेंड्स अब बियॉन्ड के बारे में देखें कि बियॉन्ड का क्या इस्तेमाल है। फ्रेंड्स बियॉन्ड मीन्स के परे या बाहर, जैसे माई हाउस इज बियॉन्ड दीज हिल्स, यानी मेरा घर उन पहाड़ियों के बाहर है। तो फ्रेंड्स यहाँ बियॉन्ड मीन्स के बाहर या के परे, जैसा कि मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकता हूँ, मेरा घर उन पहाड़ियों के परे है। तो फ्रेंड्स के परे होना या के बाहर होना बात एक ही है। इट इज बियॉन्ड बिलीफ, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि यह यकीन से परे है या यह यकीन के बाहर है। तो फ्रेंड्स बियॉन्ड का इस्तेमाल के परे या के बाहर के लिए मैंने किया। My bike is beyond repair. मेरा बाइक मुरम्मत के परे है या मुरम्मत से बाहर है, यानी उसकी कंडीशन इतनी खराब है कि वह रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि मैंने बियॉन्ड का इस्तेमाल के परे या बाहर के लिए किया, क्योंकि बियॉन्ड का इस्तेमाल के परे या बाहर के लिए किया जाता है। मैं कह सकता हूँ योर इंग्लिश इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यानी आपकी इंग्लिश मेरे समझ से परे है या मेरे समझ के बाहर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको बियॉन्ड का यूज समझ में आया।